तमाम निकाल के बाहर फेंक दिया है और ये जो पोस्टें लगे ये जो पोस्टें आजकल फेसबुक की बिजनेस बन रही है, ये जल्दी फेक आईडियों से जो पोस्टें लगाई जा रही है, वोट दे दिया, मुलाकात कर ली, ये हो गया वो हो गया। डीएम के कायद जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को, जनाब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को, जनाब हमजा शाहबाज को और इनके साथ अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन और पी डी एम में शामिल तमाम जमाते जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, कायदीन साहब उन सबको पेश करता हूँ। मेरे नज़दीक असली जरदारी का अगर कारनामा है तो वो मुकमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शादी पे रजामंद कर लेना, ये वो कारनामा है। उस कारनामे के बाद मैं समझता हूँ कि किसी को सेनेटर बनाना, किसी को सेनेट के चेयरमैन बनाना, वजीर आज़म बनाना, ये कोई मैंने नहीं रखते। क्योंकि और इससे आगे मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं तहसील इलेक्शन के अंदर कि जल्द ही हम पी डी एम की एक मीटिंग बुलवा रहे हैं जिसमें पंचायती इलेक्शन के हवाले से और मुस्तकबिल में मुश्तरका तौर पर चलने के हवाले से भी प्लान तय करेंगे। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं गुजरात जनाब कि अगर पॉलिटिकल विजन, अगर कोई पार्टी सियासी बसीरत रखने के हवाले से तो एक ही पार्टी है, वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सियासी विजन और बसीरत को पीडीएम की बाती छुपाते हैं उससे। ये हमारे उम्मीदवार हैं जी, एक ही यूएनओ नहीं, यूएनओ ने भी आए थे, बाकी तफसीली इंटरव्यू इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपसे नहीं, आप इनसे पूछें जी, इनके देरीना दोस्त राजा लियाकत खान कहाँ गुम हो, दो दिन से तो तलाश कर रहे हैं, 48 घंटे से नहीं मिल रहे हैं, तलाश में सरगर्म है। और वो मीर साहब, वाह जी वाह, माशाल्लाह जी, और ओ छोड़ो जी, माशाल्लाह, एक आज जलाने ला बाबा मुबारक ना बयान ना लायो मेरा, वाह जी वाह, मैं तो लखाना ने आडा राजा साहब। हमारे साथ माशाल्लाह इस वक्त मौजूद हैं जी, पीपल्स सेक्रेटरी टेक्सला में साबिक उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, जिन्होंने आज शमूलियत का ऐलान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बिल्कुल। अच्छा, किस क्या वजह बनी है जी आपने शमूलियत अख्तियार किया है? जमहूरियत का काम ये जाबर शाह साहब का था, यानी पीपल्स पार्टी के संग नहीं, तो इसी के जो है। अच्छा, नहीं वो तो हैं, सदर हैं जी, सदर। अच्छा, उनके जो है ना डेड लाइन में आगे चलने का। अच्छा ठीक है, उनके जो है ना मशरों से। अच्छा, उन्हीं की मशरों से, यानी आपने पीपल्स पार्टी से मुतासर हो गए? नहीं, हाँ, यानी उनके काम से या उनके नजरियात से मुतासर नहीं हुए आप? यानी हाँ, वो ना जवाब दो तू, एक मिनट। आप अच्छा कह साहब एक लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए कौमी असम्बली, किस इलाके से? राजा अमर राठौर, टेक्सला। टेक्सला से? टेक्सला, आई लव टेक्सला, आई लव टेक्सालियन, आई लव टेक्सालियन पीपल। अच्छा, आई लव पुअर पीपल। अच्छा, और इंशाल्लाह हम मिडिल क्लास की, मजदूर और किसान की जंग लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह मजदूर किसान तलब इल्मों की, इन बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ उठाएंगे, और इंशाल्लाह इन
कोशिश आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी का कोई क्या मुस्तकबिल है नेक्स्ट? देखिए जी जद्दोजहद तो बहुत कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से कम अज़ कम सूबाई और कौमी सतह पर कोई उम्मीदवार आए। अच्छा, अच्छा है, कोई भी आए, ये नहीं कि मैं नहीं कहता। आप भी हैं कैंडिडेट वैसे उम्मीदवार? राधा रखता हूँ। अच्छा, आप भी अप्लाई करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? अच्छा, अप्लाई करूँगा आगे, जो भी फैसला होता है, जो भी पार्टी फैसला करेगी उस हवाले से। ठीक हो गया, ठीक है। और क्या मैसेज कन्वे शाह साहब? माशाल्लाह जी, ये जो पीडीएम की जीत हुई है, गिलानी साहब की जीत हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपने रिमार्क्स क्या देंगे? रिमार्क्स यही है जी कि जमहूरियत में अभी जो फतह हुई है जी जी, ये मैं समझता हूँ कि अवामी सोच की फतह थी। पीपल्स पार्टी हमेशा नोटों की सियासत से हमेशा दूर रही है, और पीपल्स पार्टी ने कभी भी चोर दरवाजे से इकतदार में आना कभी नहीं सीखा, ना ही वो उसने कभी इसकी अहमियत की है। ठीक है, अगर पैसा था तो जहांगीर तरीन के पास था, पैसा था तो हुकूमत के पास था, पैसा था तो इमरान खान की बीवी के पास था। सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक्सला सैयद जाबर अली नकवी एडवोकेट उनके साथ मौजूद है। आपका नाम? आगा सैयद बाकर अली नकवी। और आपका नाम जी? टी एस एफ राजा अली आबाद। कहाँ से हैं जी? वाकेंट से हैं जी, माशाल्लाह। शाह साहब, पी डी एम के मुश्तक उम्मीदवार जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कल मार का सर अंजाम दिया है और विन किया है 169 के मुकाबले में 162 से, उन्हें शिकस्त दी है अपने हरीफ जनाब शेख हफीज। तो किस नज़र से देखते हैं आप उनको, इस विक्ट्री को? ये जो कामयाबी हासिल हुई है ये ज़रा हकीकत जमहूरियत की कामयाबी है। ये जो बयानिया था हमारा, ये जो सिलेक्टेड है, ये कोई आवाम की ताकत से नहीं आया, ये आवाम के वोटों से नहीं आया, बल्कि एक खसूसी जरिए से इसको लाया गया है। तो उसको पार्लियामेंट के अंदर, उसी पार्लियामेंट में उसी अवामी नुमाइंदों ने इसको शिकस्त दी है, और उन्होंने इस बात का फर्मला इजहार किया है कि आप रिजेक्टेड हैं, आप सिलेक्टेड हैं, और उन्होंने एक अवामी वज़ीर-ए-आज़म जो हो गुजरे जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो सबका स्पीकर भी और इसी पार्लियामेंट के रह चुके, उन्होंने उनको मुंतखब किया, क्योंकि वो एक जमहूरी शख्सियत थे, जमहूरियत के लिए उनकी जदोजहद थी, और ऐसी शख्सियत को, और उनके मुकाबले में भी किसको लेके आए, एक सिलेक्टेड बंदे को, नॉन इलेक्टेबल बंदे को लेकर आने की कोशिश थी, नॉन इलेक्टेड बंदे को उन्होंने कोशिश की कि उसको कामयाब करें, जो कि किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। हुकूमती बंदे कह रहे थे कि वाकई पैसा चल रहा है, ये कुछ ऐसी बात हुई है? पैसे नहीं, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आम पार्लियामेंट में हर पार्लियामेंट मैंने इज्जत दी, तो अब मेरा वक्त है, आप मुझे वो इज्जत जो है वो लौटाएं। तो खसूसी तौर पे जो जमहूरियत पसंद लोग थे, उन्होंने एक जमहूरियत पसंद बंदे को, और शेख नासिर साहब ने यहाँ पे आज तकरीबी मुनक्कद की है इस हवाले से, उनके साहब के अंदर एक पीपल्स पार्टी का जो जज्बा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ठीक है, कोई बंदा अगर ये कहे कि शेख नासिर साहब पीपल्स पार्टी का सासा है, ठीक है, और उन्होंने फौरन खुशी के मौके पर अपनी खुशी का इजहार किया, ठीक है, ठीक। इससे पहले भी ये मौके आते रहे हैं, जब भी कोई ऐसा मौका आया तो उन्होंने इस मौके को जाया नहीं किया। ठीक है, और भी आम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, लेकिन किसी को ये तौफीक हासिल नहीं हुई। ठीक हो गया जी, आज जो तकरीब मुनक्कद हुई जी ये विक्ट्री के हवाले से, तो आप राजा साहब इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं जी, और पी एस एफ स्पेशली क्या कर रही है इन दिनों, थोड़ा सा उसके बता भी। पहले तो सबसे पहले मैं सब जालों को मुबारकबाद देता हूँ, सब जालों की नहीं बल्कि सब जमहूरियत संदों को मुबारकबाद है, क्योंकि
ناشہ نکلی پاکستان پیپلز پارٹی ضلع راولپنڈی تحصیل ٹیکسلا واہ کے اور پاپڑا بابڑا سے بلانگ کرتے ہیں ماشاء اللہ جی آپ اس ایج میں اس عمر میں آپ نے پیپلز پارٹی کا پرچم بلند رکھا ہو کیا آپ کے والد صاحب چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اس لیے آپ پیپلز پارٹی میں یا کوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ان کی ایک الگ سے کوئی اچھوتی کوئی ایسی چیز ہے پیپلز پارٹی میں جس کی بنیاد میں آپ پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہمارا بنیادی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ہمارے دادا محترم میرے والد صاحب کے دادا محترم آغا سید یحییٰ شاہ نقوی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ارکین میں سے ہیں. اچھا اس کے بعد میرے دادا محترم حاجی سید علی اصغر حسین شاہ صاحب ٹھیک ہے انہوں نے بھی اپنے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا ساتھ دیا اپنے علاقے میں بھی اس کے باہر بھی. اس کے بعد میرے والد صاحب نے یہ پرچم تھاما ہے ٹھیک ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ ان پہ پرچے بھی ہوئے ہیں. اچھا ان پہ بہت سی کاروائیاں اس کے باوجود اذیتیں سہنے کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھامی رکھا ہے اور ان شاء اللہ میری دلی خواہش بھی ہے اور میں جب تک انشاءاللہ زندہ ہوں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم تھامے رہیں گی. جو مرضی ہو جائے جتنی مرضی جتنی دے لیں لیکن یہ ایک جمہوریت کا جھنڈا ہے, یہ ایک حسینیت کا جھنڈا ہے جس کو ہم انشاءاللہ تھامے رکھیں گے. اور جس طرح کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے نقوی صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا ووٹیں خریدی گئی ہیں, اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ زرداری ہو کے پاس پی ٹی آئی کے کچھ رکھیں گے زرداری صاحب سے ملاقات اس بارے میں جو بیٹھے رہے ہیں انہوں نے جناب قاہر صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ ہماری زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کرا دیں لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ ان کو میرے دروازے کے آگے چھٹاؤ, یہ کرپٹ لوگ یہ لوگ غدار ہیں. اگر ووٹ ہم لوگوں نے خریدنی ہوتی تو ہم جو دروازے کے آگے آئے تھے نکل لیتے. ٹھیک ہو گیا, ووٹ ہم نے نہیں خریدی, یہ فیصلہ تھا ضمیر کا, جنہوں نے ووٹیں دی ہیں ضمیر کا فیصلہ تھا, ضمیر کا فیصلہ تھا, ووٹ کیا نام ہے فیصلہ ضمیر کا, ووٹ بے نظیر کا. ٹھیک, ووٹ اس لیے ہمیں ملا کہ عوام کا اعتماد ان پہ سے ختم ہو گیا, ان کے اپنے منیز کا اعتماد ختم ہو گیا. انشاءاللہ اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس یہ جو مصیبت عوام کے ساتھ مسلط ہے اس کو بھی ہم ختم کریں. اب آخری سوال یہ ہے دونوں حضرات سے کہ تحصیل صدر ناب شیخ ناصر صاحب کی آپ کارکردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شیخ ناصر صاحب جی ایک بہت عزیز ہمارے لیے تو بہت ایک عزیز جالے بھی ہیں, ایک بہت عزیز انسان بھی ہیں. ان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, سب کے سامنے کہ جس طرح وہ آئے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ محنتیں شروع کی ہیں مخالفت میں, بہت انہوں نے جیتیں برداشت کی مگر انہوں نے یہ پرچم تھامی رکھا پیپلز پارٹی میں. جی میں شیخ ناصر صاحب کو طرح کی تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پارٹی کا علم اس وقت میں تھاما جس میں سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, سب جا لے مطلب گھر پر ہو رہے تھے اور انہوں نے آ کے سب کو اکٹھا کیا ایک لڑی میں پرویا وشا کو پی ایس ایف ہو پی وائی او تو یا مدد کی ٹیم ہو اس کو مینج کیا یا ہر چیزیں مینج کر کے انہوں نے اتنے کم وقت میں بھائی بہت کامیابی حاصل کر بہت اچھی کامیابی. جی بہت شکریہ جی انشاء اللہ راج صاحب اور شاہ صاحب انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقات جاری رہے. بہت شکریہ.